ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो प्रिंसिपल यहाँ पर ₹5400, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड 3 इयर्स, सिंपल इंटरेस्ट कितना है वो भी फाइंड करना है, अमाउंट दिया गया है। तो हमें पता है कि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इम्प्लाइज अमाउंट यहाँ पे 6210 है, प्रिंसिपल है 5400 प्लस SI, इम्प्लाइज SI या सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 6210, यहाँ पे रुपीस भी हम लोग लिख सकते हैं, रुपीस 6210 माइनस रुपीस 5400 इम्प्लाइज सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू रुपीस 6210 माइनस 5400, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, 2 से 4 को माइनस नहीं कर सकते, 1 बोरो करेंगे, 12 माइनस 4 8, या 5 है, 5 माइनस 5 0, तो रुपीस 810। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अभी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारा है P × R × T/100, इम्प्लाइज सिंपल इंटरेस्ट 810 है, प्रिंसिपल 5400 है, रेट हमें पता नहीं है, टाइम पीरियड 3 है, और रेट क्योंकि परसेंट में है नीचे 100 रहता है, इम्प्लाइज आर इक्वल टू 810, 100 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बाय 5400 × 3। तो कैंसिलेशंस करेंगे, 2 0 2 0 कैंसिल हो गए, अभी 3 को पहले कैंसिल कर देते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 21, 3 7 जा 21, और 1 0 270 है, 270 और 54 है, तो 27 से कैंसिल कर सकते हैं, 27 2 जा 54 27 10 जा 270, 2 और 10 को कैंसिल और एक बार कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, इम्प्लाइज आर इक्वल टू 5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 5% है और सिंपल इंटरेस्ट हमारा ₹810 है।